बच्चों लास्ट जो हम लोगों ने सेक्शन पढ़ा था वो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट चैप्टर लिविंग वर्ल्ड पढ़ा था, और आज हम लोग मूव करेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को समझने के लिए हमें लिविंग को समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लिविंग। तो ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग क्या होता है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, व्हाट मेक्स समथिंग अलाइव। किसी को जीवन देने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो इकाई की हम लोग बात कर रहे थे वो है आपका कोशिका। चाहे वो जीव दुनिया का कोई भी जीव हो, यदि वो जंतु या आपके पादप यानी प्लांट्स और एनिमल्स की अगर कैटेगरी में उसे आना है तो उसके पास कोशिका होनी चाहिए। और इस कोशिका को समझते हुए हम लोग वर्गीकरण की तरफ बढ़ेंगे, यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, उसकी तरफ हम लोग बढ़ेंगे तब जब हम कोशिका को समझ चुके होंगे। ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका कितने प्रकार की होती है, किन किन जंतुओं में, पादपों में या और जीवों में कोशिका का क्या तरीका है। ठीक है, तो ये कुछ स्लाइड्स हैं जिसमें हमने आपको पिछले बार बताया था कि किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो ये आपने देखा था कि जीवित चीज़ें बढ़ती हैं और प्रजनन करती हैं, यानी ग्रोथ करती हैं और रिप्रोडक्शन करती हैं। ठीक है, ये एक चित्र है, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि परागीकरण के लिए यह पौधा तैयार है। बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जैसे एजरेटम, एक पौधा आपको बहुत कॉमनली आजकल मिल जाएगा, उसके ये जो आप देख सकते हैं ये उड़ के जा रहा है, देख रहे हैं ना आप लोग को, तो ये परागीकरण की प्रक्रिया करेगा। इसी तरह से किसी और प्लांट में ये भी सब पॉलन ग्रेन्स है, परागकण है, उसके अलावा ये स्पर्म है और ये आपका एग है। कहने का मतलब जीवन की जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं इसमें सब में किसका रोल है, किसका योगदान है, योगदान है कोशिका का। तो यह बताने का सिर्फ महत्व यह है कि आप कोशिका के द्वारा ही किसी चीज़ को आगे जनन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ और बताई थी कि जो भी जीव जंतु है अगर वो जीवित है तो उनके पास एक कॉन्शियसनेस होगा। ठीक है, उस तरह की बात, जैसे मान लीजिए हाथ जल गया तो अगर आपके हाथ में सेल्स हैं, कोशिका का आपको वो अनुभव है तो ये रेस्पॉन्स दिखाएगा। ठीक है, कोई धक्का देगा या सूरजमुखी, इस तरह की बहुत सारी बातें हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड में किया था। ठीक है, वर्गीकरण को समझने के लिए जो सबसे पहले अरस्तु अरिस्टोटल ने, जो कि बायोलॉजी के जनक भी हैं, अरस्तु जिसको कहा जाता है, तो उन्होंने कुछ बातें कही थी जिसको कैरोलस लीनियस साहब ने कुछ बातों को अपने संज्ञान देते हुए उन्होंने प्लांट और एनिमल किंगडम में जीवों को बांटा, उसके कुछ आधार बनाए। ठीक है, उन आधारों को हम देखेंगे कि उन्होंने क्या आधार बनाया। उससे पहले हम देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल या पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कि कोशिका क्या है। ठीक है, तो कोशिका जीवन की एक इकाई है। आप परेशान मत होइए, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूँगी ये नोट्स, आप समझिए बस। ठीक है, कोशिका जो है वो जीवन की इकाई है, यानी सेल इज द फंडामेंटल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, इसको समझते हैं। मान लीजिए ये बिल्डिंग तैयार हुई है, दिखाई दे रही है ना सबको, इस बिल्डिंग को हमने बनाया कैसे, हमने क्या किया, ईंटें मंगवाए, सीमेंट मंगाया, बालू मंगाया, फिर कुछ लेबर मंगाए और उनसे हमने शुरुआत की। जब हमने शुरुआत की तो ये जो एक ईंटा है, जिस ईंटे की आप बात कर रहे हो, ये एक ईंटा आपका सेल हो सकता है। ठीक है, मान सकते हैं वो निर्जीव चीज़ें, उदाहरण के स्वरूप।
से जोड़ा, दूसरे तीसरे जोड़ते जोड़ते हमने एक दीवार खड़ा कर दी। जब बहुत सारे ईंटें जुड़ गए या बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ गई तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि ये उत्तक हो गए, यानी टिश्यूज हो गए। When the cells are united in a form, they produce tissues, ठीक है? यानी जब बहुत सारी कोशिकाएं एक साथ अपने समन्वयक के साथ एक किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वे उत्तक कहलाते हैं, ठीक है? टिश्यूज की हम बात करते हैं। फिर उसके बाद ये दीवार बन गई, ये दीवार आपका क्या हो गया? टिश्यूज हो गए। अब ये दीवार में ये एक कमरा हो गया, ठीक है? ये कमरा आपका क्या हो गया? एक ऑर्गन हो गया। फिर ये पूरी जो बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गए, आपके शरीर, यानी आपका पूरा शरीर का जो शुरुआत हुई थी, बेसिक यूनिट हुई थी, यानी इकाई की अगर हम बात करते हैं तो वो एक कोशिका से हुई, वो कोशिका बहुत सारी मिली तो उत्तक बने, उत्तक से मान लीजिए ये मेरा एक अंग बना जिसे हाथ हमने कहा, इस हाथ से मेरा पूरा शरीर बना जिसको हमने बिल्डिंग की बात, ठीक है? तो आपका ईटा, फिर दीवार, फिर कमरा, फिर बिल्डिंग, उसी तरह से कोशिका, फिर उसके बाद आपके कुछ सिस्टम्स को आपको पढ़ना है, जैसे 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom और 6 kingdom। लेकिन इन लोगों ने जो भी वर्गीकरण किया उसमें आधार क्या बनाया, किन किन चीजों को? तो इन लोगों ने कहा कि भाई जब रात के कैरोलस लीनियस साहब ने कहा कि प्लांट सेल होता है और एनिमल सेल, ठीक है, तो हम जानते हैं कि पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका, प्लांट सेल की क्या विशेषता है जो आपके एनिमल सेल में नहीं होता है, उसको समझते हैं। मान लीजिए आप मार्केट में गए या आपने ये देखे, ये दो पॉलिथीन है यहाँ पे, एक आपका ग्रीन कलर का, एक ब्लैक कलर का। अगर इस पॉलिथीन को हम सेल वॉल मान लें और अंदर हम इसको घुसा दें इस तरीके से, तो ये अंदर वाली जो झिल्ली है आपकी, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है, और ये बाहर वाला पोर्शन क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। तो हम ये कहते हैं, हम ये देखा वैज्ञानिकों ने कि पादप कोशिका में इस तरह की दो झिल्लियां पाई जाती हैं, एक मृत होती है, एक जीवित, एक लिविंग होता है और दूसरा डेड होता है, ठीक है? तो ये जो बाहर वाली झिल्ली हुई, इसको इन्होंने कहा कोशिका भित्ति या सेल वॉल, और ये जो इनर वाली हुई, दिस इज प्लाज्मा झिल्ली या सेल मेम्ब्रेन। ऐसी बातें हुई, ठीक है? आप जैसे मार्केट में कोई सामान लेने जाते हो तो जब एक पॉलीथिन में लेते हो तो वो एनिमल समझो, जब उसको दोहरा कर देते हो तो उसे प्लांट समझो, ठीक है? तो प्लांट सेल और एनिमल सेल का सबसे महत्वपूर्ण ये रूप है कि इसके पास जो होती है वो कोशिका भित्ति है, ठीक है? जनरली ये माना जाता है, सामान्यतः इस बात को माना जाता है कि जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो बड़ी होती हैं, और जो आपके जंतु यानी एनिमल सेल्स जो होते हैं उनकी कोशिकाएं क्या होती हैं? सामान्यतः। अब हमने कहा कि ये जो सेल वॉल है, जिसको हमने आपको इस पॉलीथीन से समझाया कि बाहर वाली भित्ति कौन सी होगी? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अंदर वाली जो झिल्ली है उसे क्या कहेंगे? प्लाज्मा झिल्ली। तो ये दोनों में होती है, चाहे वो एनिमल हो, ठीक है, या प्लांट हो, और इसके वजह से इन दोनों में, पादपों और जंतुओं में, बहुत बड़ी बड़ी भिन्नताएं आई, ठीक है? उसके बाद हम बात करते हैं प्लास्टिड्स। देखिए प्लास्टिड्स यानी लवक, और प्लास्टिड्स आपके तीन तरीके के होते हैं, ठीक है, आपका ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। इसको समझते हैं, जैसे मान लीजिए इस समय टमाटर का पौधा लगा हुआ है, उस दिन हमने दिखाया भी था, टमाटर किस कुल का है? सोलेनेसी का, ठीक है? तो टमाटर का जो पौधा है जब वो उगता है,
तो हल्का हल्का वो हरा हरा होता है, और हरा भी नहीं, स्टार्टिंग में वो वाइट होता है। तो हम कहेंगे कि जब टमाटर उगा तो उसके पास ल्यूकोप्लास्ट था, कोई कलर नहीं। जब वो हरा हुआ तो उसके पास क्लोरोप्लास्ट, हरित लवण। और जब वो लाल हुआ तो उसके पास क्रोमोप्लास्ट। यानी प्लास्टिक्स एक ऐसी चीज है जो जंतुओं में नहीं, किसमें पाई जाती है? यानी प्लांट्स में। प्लांट्स में आपके प्लास्टिक्स प्रेजेंट होते हैं, और इसी वजह से दुनिया, पूरी दुनिया किस पे निर्भर है? पौधों पे। अगर हमें भूख लगा तो रोटी चाहिए, चावल चाहिए, कहाँ से मिलेगा? प्लांट से। किसी कोल्ड स्टोरेज से भी लाएंगे तो फिर वो भी पौधों के पास जाएंगे। यानी सबको जाना पड़ रहा है किसके पास? प्लांट्स के पास। तो प्लास्टिक्स, ठीक है, इसमें जो काम करेगा खाना बनाने वाला, वो काम करेगा आपका हरित लवण, ठीक है, जिसको हम हरित लवण या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट, ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट होता है हरित लवण, वो पूरा स्ट्रक्चर होता है, अभी डिस्कस करेंगे उसको। तो आप प्लास्टिक्स की बात करें एनिमल्स में, जैसे हम लोग हैं, क्या हमारे पास हरित लवण है? नहीं, नहीं होता। तो क्या होता, हमारे भी फ्रूट्स लगे होते हैं चारों तरफ, ठीक है, खूब सारे फल लगे होते हैं, हमें भी लोग तोड़ रहे होते हैं, ये इनका तोड़ रही होती, वो इनका तोड़ रहे होते, ठीक है, तो बड़ा अच्छा कॉम्पिटिशन होता है। तो लेकिन भगवान ने ऐसा किया नहीं, यहाँ पे प्लास्टिक्स में क्या हुआ, ये एबसेंट हो गए। इस वजह से जो आपके एनिमल्स थे वो अलग हो गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये वैक्यूल, ये वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। वैक्यूल जो होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपने सेल के अंदर, ठीक है, वो बहुत सारा सैप सैप इकट्ठा करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर मिनरल्स और आयंस होते हैं। और ये विशेषता जो वैक्यूल की है वो जनरली किसमें होती है? प्लांट्स में होती है, ठीक है। एनिमल्स में पाए जाते हैं कभी कभार छोटे छोटे, जब हम अमीबा पढ़ेंगे तब हम उसे देखेंगे कि कभी कभी वो वैक्यूल्स बन जाते हैं, ठीक है। बोलिए बॉडी, देखिए डिफरेंस है, ये नीट के क्वेश्चंस, इसमें मैंने लिख भी रखा है कि नीट के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। गोल्जी काय, हिंदी में इसे गोल्जी काय कहते हैं, और ये प्लांट्स के केसेस में इनको एक स्पेशल नाम दिया गया है जिसका नाम है लिपियोजूम्स, ठीक है। और एनिमल्स में ये काफ़ी डेवलप होते हैं गोल्जी कॉयल्स। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका अंतर है, छठवां जो मैंने बना रखा है, सेंट्रोजूम या सेंट्रियोल, ये एनिमल्स के केस में प्रेजेंट होते हैं और प्लांट्स के केस में एब्सेंट होते हैं, स्पेशली सेंट्रियोल्स की बात करें। जब आप मियोसिस माइटोसिस, मैंने कहा था पढ़ लीजिएगा, और उसमें क्या होगा कि जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे दोनों के केस में, तो प्लांट के केस में आपके केवल माइक्रोटिब्यूल्स काम करेंगे, लेकिन एनिमल्स के केस में सेंट्रियोल काम करेगा, ठीक है, माइक्रोटिब्यूल्स के साथ, ठीक। तो इसमें देखिए, यहाँ पे ये दिखा रखा है कि जो लीनियस ने, कैरोलस लीनियस ने एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें उन्होंने कुछ चीज़ें आधार बना के पौधे में और जंतु में विभाजन किया था। अब बात कहाँ आई, बात ये आई कि अगर हम प्लांट्स को देखें तो ये देखिए लिखा है क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास एक यूनिसेलुलर एल्गी है, ग्रीन एल्गी, बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, जिसके पास ये होता है सेंट्रियोल होता है, जो कि किसका कैरेक्टर है? एनिमल का कैरेक्टर, क्योंकि वो एनिमल सेल में पाया जाता है। तो इस तरह की जो ऑब्जेक्शंस लगी इनके क्लासिफिकेशन में, इन्हीं आधारों पे इनको थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ लोग बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जो सेंट्रियोल्स होते हैं एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में एब्सेंट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हरित, कुछ ऐसे आपके क्लोरोफाइसी के मेंबर्स हैं, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास, जिसके अंदर कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, ये भी आपका एक नीट का प्रश्न है। तो इस तरह की बातें देखी गई, तो इन्होंने कहा कि भाई अब ऐसा है कि अब कुछ और फर्दर डिवीजन, विभाजन इसमें होना चाहिए, वर्गीकरण। तो इस प्लांट सेल को हम देखते हैं, देखिए ये प्लांट और एनिमल सेल का डिफरेंस है। यहाँ पे जो हरे रंग का बाहर दिख रहे हो,
नहीं, ये केवल आपका सेल्फ मेंबरेन। अब देखिए ये हमारा एनिमल सेल है, ठीक है। एनिमल सेल में अंतःप्रधव जालिका भी होती है और प्लांट सेल में भी होती है। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल के कुछ ऑर्गेनल्स की हम यहाँ बात करेंगे, इसलिए क्योंकि हमें प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को भी समझना है, क्योंकि जब वर्गीकरण किया गया 2, 3, 4 या इस तरह के वर्गीकरण किया गया तो उसमें हमें इन जीवों को समझना पड़ेगा। हम देखते हैं, ये देखिए आपका एक एनिमल सेल का सेल है, ठीक है, कोशिका है आपका जंतु कोशिका। यहाँ देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आपका न्यूक्लियस है, कह सकते हो। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बात कि आप चाहे माइटोकॉन्ड्रिया को देखें चाहे न्यूक्लियस को देखें, ये दोनों में देखिए डबल मेम्ब्रेन, ठीक है, डबल मेम्ब्रेन। बस इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये आपका न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स है, ये बाहर की तरफ गोल्जी अपैरेटस है, जिसको गोल्जी का दिख रहा है सबको। उसके बाद ये आपका साइटोप्लाज्म है, बाहर ये जो पूरा जगह एरिया है न्यूक्लियस के बाहर, ये पूरा दिख रहा है यहाँ न्यूक्लियस से लेके मेम्ब्रेन तक, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसके बाद ये कई ऑर्गेनल्स है जैसे पेरोक्सिसोम। आप यहाँ देखिए, ये देख रहे हैं सेकेंडरी वेसाइकल, ये एनिमल के मेम्ब्रेन में सेकेंडरी वेसाइकल बना है, इसको ध्यान रखिएगा, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में तो डिस्कस करेंगे इसको। तो ये एक एनिमल सेल का व्यू है जिसको आप देख सकते हैं। ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक मैंने आपको डायग्राम दिखाना है इसलिए समझा कि जब हमारा इवोल्यूशन हुआ, जब जीवों का किस तरीके से उद्भव हुआ, मतलब ऑर्गेनिजम्स, हाउ ऑर्गेनिजम्स जो थे वो प्रोड्यूस हुए। तो जब मिल्लर और यवे ने एक्सपेरिमेंट किया था, याद है सबको, क्या कहा था, ये पूरी धरती जो है खोलते हुए समुद्र की तरह, और उस समुद्र में क्या हुआ, जीवन का उद्भव हुआ, प्रोजिनोट्स बने, प्रोसर्वेट्स बने, इस तरह की बातें उन्होंने की, 10th class में पढ़ा है, ठीक है। जीवन का उद्भव हुआ और जीवन के उद्भव के दौरान ये प्रोकैरियोट्स बने, यूकैरियोट्स बने और ये प्लांट्स अलग हो गए, फंजाई, एनिमल्स, प्लांट्स, और इस तरह की विशेषता इन्होंने क्या किया, सेल वॉल डेवलप कर लिया, क्लोरोप्लास्ट डेवलप कर लिया, जिसकी वजह से किस कैटेगरी में आ गए, पादप कोशिका। ये एक पादप कोशिका का व्यू है जिसमें ये वैक्यूल हमने दिखाने के लिए डायग्राम दे देंगे, ये वैक्यूल, ये वैक्यूल लार्ज होता है केस ऑफ प्लांट्स। ये थोड़ा सा एक टेस्ट लेते हैं, आप लोगों से पूछते हैं कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, ये अंदर का न्यूक्लियस है, ये बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जब आप प्रोकैरियोट्स पढ़ेंगे तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स वहां एब्सेंट होंगे। ये नीट में क्वेश्चन इस तरीके से पूछा था, सिंगल एनवेलप एंड डबल एनवेलप, तो सिंगल एनवेलप को हम समझाएंगे अभी आपको और डबल एनवेलप का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हाँ, अब हम चूंकि बात कर रहे थे, हमने पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये सारी चीजें बताई आपको, अब हम बात करेंगे प्रोकैरियोट तथा यूकैरियोट। देखिए, प्रो शब्द का अर्थ होता है प्राचीन, कैरियोट शब्द का अर्थ होता है केंद्र, प्रो मने एंशियंट, कैरियोट मने न्यूक्लियस, यानी जिस भी कोशिका में प्राचीन तरह का केंद्र पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यानी इफ अ सेल इज नॉट हैविंग डिफाइंड न्यूक्लियस, ठीक है, विच इज हैविंग एंशियंट काइंड ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, प्रो काइंड ऑफ न्यूक्लियस, उस समय हम क्या बात कहेंगे, क्या बात कहेंगे, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म।
तो प्रो शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्राचीन एंशियंट। कैरियोट बने केंद्र, न्यूक्लियस, ठीक है, इस तरह की बात। अब यहाँ पे देखिए, ये आपका एक बैक्टीरिया है जिसके पास फ्लैजिलम है, ठीक है, ये आपका फ्लैजिलम। यहाँ पे कुछ शब्द आपका होमवर्क है, फ्लैजिला, पिल्लाई, फिम्ब्रिए, इनमें अंतर पड़ के आइएगा, ठीक है, पिल्लाई, फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिए, ठीक। अब ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है और इस प्रोकैरियोटिक सेल में ये जो चीज है, दिख रहा है आपको धागे धागे जैसा, जब आप प्लांट और एनिमल सेल में देखे थे तो वहां क्या अंतर देखा था? ये प्लांट सेल है, दिस इज प्लांट सेल, दिख रहा है सबको? आपको दिख रहा है? ये इसका न्यूक्लियस है ना, इसमें एनवेलप है, यहाँ देखिए एनवेलप है, ये आपका एनिमल सेल है, ये न्यूक्लियस है, इसमें देखिए एनवेलप है, यहाँ कोई एनवेलप है? तो बस यही बात है, जब किसी के पास, गुणसूत्रों के पास यदि कोई एनवेलप नहीं होता है तो वो फ्री रहता है, ठीक है। और ऐसे केंद्रक प्राचीन तरह के केंद्रक होते हैं जिसमें कोई बाउंड्री नहीं है, चाहे एनिमल सेल की बात करिए, चाहे आप प्लांट सेल की बात करिए, देखिए यहाँ भी बाउंड्री है और यहाँ भी बाउंड्री है, क्लियर है सबको? ठीक है, दिख रहा है? अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कि ये है क्या, ये बेसिकली क्या है, ये न्यूक्लियॉइड, इसको एक नाम दिया गया न्यूक्लियॉइड, ठीक है, जीनोफोर या आपका प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस। कहने का मतलब कि इस केंद्रक के बाहर कोई भी आवरण नहीं है, ना सिंगल आवरण है ना ही डबल, यानी कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए केवल आपको राइबोसोम दिखाई दे रहा है, ठीक है, आपको कहीं माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है? कहीं से माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है आपको? तो क्या दिख रहा है आपको? एक कैप्सूल की लेयर दिख रही है, ये कैप्सूल है, ये सेल वॉल है, ये कुछ पिल्लाइज है, ठीक है, पिल्लाई हेल्प्स इन द कॉन्जुगेशन, एंड इसी का जो एक दूसरा फॉर्म होता है फिम्ब्रिए, वो अटैचमेंट के, और जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उन्हीं में आपके फिम्ब्रिए काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका केंद्रक है, कोई आवरण नहीं होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, प्राचीन तरह का केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस आपका कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन, पहली बात। दूसरी बात कि यहाँ पे एक तत्व की हम बात करेंगे, हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या आप समझते हैं? ये देखिए, ये आपका केंद्रक है, आ रहा है दिखा? ये आपका सेल है, ठीक है, ये आपका केंद्रक है, ठीक है, और इस केंद्रक में आपका ये क्रोमोसोम्स है, जिसको आपने खोला तो इस तरीके से डीएनए निकला। इसको और थोड़ा विस्तृत तरीके से देखते हैं, मान लीजिए ये आपका सेल है, इस सेल में क्या है, क्रोमोसोम्स है। अब इस क्रोमोसोम आर्म को, एक क्रोमोसोम हमने ले लिया, अब इस क्रोमोसोम में 700 नैनोमीटर पोर्शन हमने लिया, इसको खोला, ये क्रोमैटिन थ्रेड्स खुल गए, ठीक है, ये देखिए क्रोमैटिन थ्रेड्स हो गई, और ये एक क्रोमैटिन थ्रेड हमने खोला तो ये क्रोमैटिन फाइबर हो गया, और ये क्रोमैटिन फाइबर जब हमने खोला तो ये हमें मिला सॉलिनॉइड मॉडल। अब इस सॉलिनॉइड मॉडल को हमने खोला तो ये ब्राउन ब्राउन कलर का आपको दिख रहा है ना, उस पे क्या लिखा हुआ है? डीएनए। अगर हम किसी मोती पे, किसी धागे को अगर इस तरीके से लपेटे तो उसे हम कहते हैं बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग मॉडल, ठीक है, माने मोतियों पे आप किसी धागे को लपेटते हो, तो डीएनए आपका यूकैरियोट्स के केस में इस तरीके का होता है, मगर आपके प्रोकैरियोट या बैक्टीरिया की यदि या जीवाणु की बात कर रहे हैं तो वहां पे ये जो आप देखोगे ना, ये एब्सेंट होगा। क्लियर है आपको सभी को? ये बात दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि हिस्टोन प्रोटीन्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? अनुपस्थित, एब्सेंट, बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स इट इज द डिस्टिंग्विश्ड फीचर। ये होना ही होना है,
अब आपको क्लियर है ना कि आप कहां से केंद्रक की स्टडी करोगे। यहां केंद्रक लिया और यहां से आपने डीएनए को निकाला, तो क्या ये आसान काम था? वॉटसन, बिलिकन, रोजालिन फ्रैंकलिन और आपके वॉटसन क्रिक, रोजालिन फ्रैंकलिन और बिलिकन, चार लोग मिल करके इस काम को किए, कितनी टाइम लगा उनको, तब जाके उनको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ से यहाँ आप देखेंगे और ये ध्यान रखिए सॉलिनॉइड मॉडल को जब आप खोल के देखेंगे तो बीट्स ऑन अ स्ट्रिंग, तो हिस्टोन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया? यू की यू रो नहीं सुन रहे मुझे? ठीक है, तो अब आप ये ध्यान रखिए कि ये आपका एक प्रोकैरियोटिक सेल है, जो आपने अभी एनिमल और प्लांट सेल देखा उसमें क्या देखा आपने? आपने ये देखा कि उसका जो केंद्रक था उसमें एक आवरण था, लेकिन प्रोकैरियोट में जो केंद्रक है वहाँ कोई आवरण नहीं है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप इसके साइटोप्लाज्म में देखिए तो यहाँ कोई भी आपको ना तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहा है ना तो आपको क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, यानी कोई भी मेम्ब्रेन ऑफ ऑर्गेनल्स आपको नहीं दिख रहा है। आपको न्यूक्लियॉइड, डीएनए जिसको जीनोफोर आप कहते हैं, ठीक है, राइबोसोम्स दिख रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे राइबोसोम्स की थोड़ी सी बात करते हैं। आप यूकैरियोट्स में हैं, आप प्रोकैरियोट्स में हैं, ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में किस तरह का राइबोसोम प्रेजेंट होगा? ये 70S का क्या मतलब है? क्या वो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है राइबोसोम? क्या उस वो मेम्ब्रेन के एक मेम्ब्रेन या दो मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड है? नहीं, वो है क्या? 70S कहा ना आपने, तो 70S क्या है? सब यूनिट्स। देखिए, जब ये 70S का आप सेडिमेंटेशन करेंगे तो आप सेडिमेंटेशन को इफिशियंट निकालेंगे और इसमें दो तरह के यूनिट्स मिलेंगे, एक लार्जर यूनिट रहेगा, एक स्मॉलर यूनिट रहेगा। लार्जर यूनिट इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स 50S होता है और स्मॉलर यूनिट क्या होता है? 30S। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स, इस बच्चे ने पूछा मैडम ऐड कर दीजिए, नो दैट इज नॉट द एडिशन। आप ये बच्चे बहुत पूछते हैं 70S में क्या करेंगे, 50 और 30 को ऐड करके 80। नहीं, दिस इज नॉट, दे आर सब यूनिट्स। हमने एक बड़ा गुब्बारा लिया, एक छोटा गुब्बारा लिया, उसको बीच से धागे से बांध दिया, मैग्नीशियम की लेयर आपको बांध देती है इन दोनों को, ठीक है। एक बड़ा गुब्बारा क्या करते हैं, गुब्बारा खुलाते हो, उसको दो ऐसे मरोड़ देते हो ना, तो बस वही है, वही कॉन्सेप्ट है। आपने कहा कि इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 30S में है, इसको आपने नापा 50S में, जोड़ नहीं है 50-30 का, जोड़ नहीं है, 50-30 निकालोगे तो 80 निकलेगा, 70S सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, एंड वी टॉक अबाउट द यूनिट्स नॉट द एडिशन, ठीक है। तो ये हम लोग बात करेंगे आगे, ये सारी चीजें विस्तृत तरीके से। देखिए, हम बात कर रहे थे कैरियस लीनियस की, तो कैरियस लीनियस ने क्या किया, टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, ठीक है, जीवों को दो उसमें वर्गीकृत कर दिया उन्होंने, किसमें? पादप में और जंतु में, यानी प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो उसमें क्या अच्छाई थी और क्या कमियां थी उनको देखते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि इन्होंने जो बेसिस बनाया, क्या बेसिस बनाया, चूंकि लीड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके छोटे छोटे स्टेप से आपके क्वेश्चन, तो मैंने उन हर स्टेप को ले लिया है। तो अगर इन्होंने क्या किया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को किसमें बांटा, लिविंग प्लांटी और एनिमल्स, ठीक है। इन्होंने एक आधार बनाया न्यूट्रिशन, यानी पोषण, ठीक है। इन्होंने कहा जो ऑटोट्रॉफिक है यानी स्वपोषी है और जो परपोषी है, दो तरह के जीव होते हैं, स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफिक, द प्लांट्स व्हिच कैन, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सम ऑर्गेनल, जैसे कि आप प्लास्टिड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स वो हुए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, चाहे वो क्लेमाइडोमोनास हो, चाहे वो यूरिना हो, चाहे वो हम हो, हम तो नहीं हो सकते ना, तो हम क्या गए, हम किसमें गए, हेटरोट्रॉफिक, हम अपना खाना नहीं बना सकते, वी डिपेंडेड ऑन व्हाट, प्लांट्स। तो ऐसे जीव जो
अपना खाना नहीं बना सकते थे उनको रख दिया गया एनिमल्स, ठीक है। दूसरा आधार इन्होंने सेल वॉल को बताया, तो सेल वॉल में इन्होंने कहा कि भैया जिसके पास सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है, जिसके पास दो पन्नी है वो हो गया प्लांट, जिसके पास एक पन्नी है वो हो गया एनिमल, यानी अगर सिर्फ कोशिका झिल्ली की हम बात करेंगे तो वो आपका एनिमल सिलेगा। लोकोमोशन इन्होंने कहा कि भाई जो पौधे होते हैं उनमें लोकोमोशन एब्सेंट होता है, माने चलना फिरना मूवमेंट करना, ठीक है। इन्होंने कहा लोकोमोशन का मतलब होता है जो भी मूवमेंट ऑर्गेनिजम्स करते हैं, इन्होंने कहा कि भाई इसमें नहीं होता है तो ये प्लांट्स है, ठीक है, और अगर लोकोमोशन है तो वो एनिमल्स है, ऐसी बात कही। चौथी बात इन्होंने कही कि भाई मान लीजिए कोई रेस्पॉन्स है कि एक झापड़ मारा किसी को, प्लांट को एक झापड़ मारा तो प्लांट ने कुछ नहीं किया, मगर अभी एक झापड़ आपको मारने तो क्या करोगे, रोने लगोगे ना, तो आप रेस्पॉन्स करें। तो इन्होंने कहा कि कोई भी स्टिमुलाई हो, चाहे वो फिजिकल फैक्टर कुछ भी हो, हीट हो, टेम्परेचर हो या जो भी हो, अगर कोई ऑर्गेनिज्म उसके तहत रेस्पॉन्स करता है तो वो एनिमल्स होता है, लेकिन नहीं करता है तो वो प्लांट्स हो सकता है, ऐसी बातें उन्होंने कही, आधार बनाया। चौथा आधार बनाया इन्होंने कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम, इन्होंने कहा जिसके पास कॉन्ट्रेक्टाइल सिस्टम होगा वो आपके क्या होंगे प्लांट्स, जो जिनके पास नहीं होगा वो आपके प्लांट्स होंगे और जिनके पास होगा वो एनिमल्स होंगे। तो इसमें क्या हुआ कि कुछ एक्सेप्शंस, जैसे मान लीजिए यूग्लिना आपका क्या होता है, यूग्लिना आपका प्लांट, यूग्लिना क्या होता है, लिंक है ना एनिमल और प्लांट के बीच में, बिलोंग्स टू विच फाइला, प्रोटोजुआ, आपका यूग्लिना उसमें आता है, ठीक है, उसमें एनिमल कैरेक्टर भी होता है प्लांट कैरेक्टर भी होता है। तो इन्होंने कहा